हेलो गाइस, यहाँ पे आज दूसरे दिन भी CSB2 में विरोध प्रदर्शन जारी था। सेकंड दिन भी यहाँ पे छात्रों ने विरोध अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि कल भी वहाँ उनसे बात हो नहीं पाया था। आज भी कुछ इसी तरह से मामला सामने आया है। चलिए मैं आपको वो न्यूज़ पूरा दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के मीडिया न्यूज़ के बारे में, जिसपे आपका जितने भी डिटेल्स कल के हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज तीन मीडिया न्यूज़ में आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आया हुआ है। तो पहला जो हम न्यूज़ सोर्स ले रहे हैं, नई दुनिया न्यूज़पेपर से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ छात्र संगठन ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन करके यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर ई पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा करवाने जोगी छात्र संघ ने घेरा तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कल यहाँ पे घेराव हुआ था उसको लेकर के आज यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज़ की बात करें तो ग्रैंड न्यूज़ यहाँ पे इनके द्वारा भी यहाँ पे इनके पेज पर यहाँ पे लिखा गया है। ग्रैंड न्यूज़ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हुआ करता था, लेकिन अब साथ साथ यहाँ पे इनका पेज भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि भाई तकनीकी विश्वविद्यालय में जो आपका पेपर है ऑफलाइन, ठीक है, उसको लेकर के बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर के छात्रों ने यहाँ पे क्या किया है, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि इनका पेपर ऑनलाइन हो सके। आइए पूरा न्यूज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज के जो अपडेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि CSB2 में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ छात्र संगठन जोगी ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन के मुताबिक विश्वविद्यालय द्वारा बीई, बीटेक व पॉलिटेक्निक सहित अन्य सभी की परीक्षा ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा लिया गया था, जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। तो बहुत सारे परिणाम आ चुके हैं, ठीक है, कुछ का आपको मैं बताना चाहूँगा। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर परिणाम आ चुका है, ठीक है। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उस बीच विश्वविद्यालय के इस निर्णय से छात्र छात्राओं में आक्रोश का माहौल है। स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ छात्र संगठन जोगी ने युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के दुर्ग संभाग के अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय के निर्देश पर उनकी और ग्रामीण अध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के कारण सभी छात्र छात्राएं अपने अपने घर चले गए और आने की स्थिति में नहीं है। ज्ञापन में मुख्य मांग छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अप्रैल मई और नवंबर दिसंबर 2020 की सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग यहां पे किया गया, ऑनलाइन एग्जाम आयोजित कराने की मांग की थी, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने घरों में से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सके और छात्र जीवन के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। तो ये यहां पे आपका पूरा न्यूज़ आर्टिकल है। चलिए आज के अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, आपको पूरे वीडियो क्लिप से अवगत कराते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में चुके हुए हैं, जो बचे हुए थे एग्जाम, जिनका डिग्री नहीं मिल पा रहा है एक दो बैक के कारण, उनका है बैकलॉग का एग्जाम। और जो डी फार्मा का जो रेगुलर का एग्जाम जो उन्होंने नोटिस दिया है, तो उन्होंने कहा है कि कल तक हम नोटिस जारी कर देंगे, वीसी सर से बात करके वो हटा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और कल हम आएंगे वीसी सर से बात करेंगे, आज तो उन्होंने नहीं मिल पाया, कल आएंगे सर, कल बैठ के बात करेंगे, पूरी जानकारी मतलब जो जो बातें हैं ना हमारी ऑनलाइन की वो सब पूरा हम कल करवा लेंगे। तो कल थोड़ा सा बैठ के अपन आपस में समझेंगे। जो 7 सेम वालों का जो बैकलॉग का आया है, अगर वो नहीं देना चाहते एग्जाम अभी ऑफलाइन, तो फरवरी में फिर एग्जाम होगा, उस टाइम आप दे सकते हो। डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का जो रेगुलर का आया है ना, उसके बारे में चर्चा करके हम कल नोटिस निकाल लेंगे। रुकेगा वो डी फार्मा का, जी ठीक है, इक्का दुक्का जिसका बैक है वो दे देगा, डी वो जो फार्मा का जो बोल रहे हो ना, इक्का दुक्का बैक है वो देगा, बाकी नहीं देगा। सिर्फ डी फार्मा वाले का रेगुलर का आया है वो हट जाएगा इंशाल्लाह। हां वो हटेगा कल। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।